नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही आश्चर्यजनक कहें या फिर स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद औषधि अजमोद के फायदों से रिलेटेड जानकारी को लेकर के। अजमोद के गुण प्रायः अजवाइन की तरह ही होते हैं, परंतु अजमोद का दाना अजवाइन से बड़ा होता है। अजमोद विटामिन ए, बी और सी, इसके साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, सोडियम और फाइबर से भरपूर होता है। इसमें एपिजेनिन और लूटेओलिन जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। गर्म तासीर का अजमोद श्वास, सूखी खांसी, आंतरिक शीत के लिए लाभकारी होता है। आइए जानते हैं अजमोद के फायदों के बारे में। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है अजमोद। अजमोद में लूटेओलिन एंटीऑक्सीडेंट होता है जो फ्री रेडिकल्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अजमोद में विटामिन ए और सी होता है जो आपकी आँखों और त्वचा के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। आप इसे खाने में स्वाद बढ़ाने के मसाले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद पर डाल सकते हैं या फिर जूस में मिलाकर पी भी सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में भी ये बेहद उपयोगी होता है। अजमोद में एपिजेनिन नामक तत्व पाया जाता है। यह तत्व ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करता है। अजमोद के सेवन से ब्रेस्ट कैंसर के ट्यूमर की संख्या को कम करने और उनके विकास को धीमा करने में मदद मिलती है। किडनी रोग में भी ये बेहद लाभकारी होता है। अजमोद किडनी की सफाई के लिए जाना जाता है। किडनी में मौजूद व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालकर यह आपको स्वस्थ रखता है। अजमोद पेट की समस्याओं को दूर रखने में मददगार होता है। यह देर तक भूख का एहसास नहीं होने देता है, जिससे यह वजन को काबू में रखने में मदद करता है, यानी कि आप अपने वजन को बढ़ने से रोक सकते हैं अजमोद की सहायता से। इसके अलावा दर्द और सूजन को भी दूर करता है अजमोद। दर्द या सूजन होने पर 2 चम्मच अजमोद को 6 से 7 चम्मच सरसों के तेल में उबाल लें, फिर हल्के हाथों से दर्द प्रभावित जगह पर मालिश करें। इससे आपका दर्द जल्दी खत्म हो जाएगा। पथरी से भी ये आराम देता है। 3 ग्राम अजमोद के बीज का चूर्ण 12 ग्राम मूसली के पत्तों का रस मिलाकर पिएं और 10 दिनों में पथरी गल जाती है, दर्द से आराम मिलता है। कमजोरी को दूर करने में मददगार है अजमोद। काफ़ी लोगों को किसी कारण कमजोरी हो जाती है, इसे दूर करने के लिए अजमोद का सेवन करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। कॉफ़ी में अजमोद का बारीक चूर्ण को मिलाकर सेवन करने से कमजोरी दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको हिचकी या उल्टी आ रही है तो इससे भी राहत दिलाता है अजमोद। खाना खाने के समय अगर आपको हिचकी लग जाती है तो अजमोद के बीज पान के पत्तों में रखकर रस चूसने से तुरंत फायदा होता है। अजमोद के चूर्ण का सेवन करने से उल्टी रुक जाती है या अजमोद में लौंग और शहद मिलाकर खाने से उल्टी रुक जाती है। अजमोद की जड़ का चूर्ण सब किस्मों की कफ की बीमारियों में लाभकारी और पाचक होता है। बस इसमें सावधानी रखनी होती है कि गर्भवती औरतों और मिर्गी से पीड़ित लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए हानिकारक हो जाता है। इसके साथ साथ अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले अंक में हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।